हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। आज मैं बना रही हूँ मेथी मटर मलाई। तो जी, मेथी और मटर मलाई बनाने के लिए मेथी ले ली है और इसको मैंने धो लिया है। जो आगे के फूल होते हैं मेथी के पत्ते पत्ते से, वो लिए हैं। टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, काजू, मटर मलाई, ये घर की ही मलाई है। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, 4 से 5 लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, धनिया, जीरा। इधर तेल गरम हो गया है। हम ये जो खड़े मसाले हैं सारे, जीरा और लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और काजू, इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। 1 चम्मच घी लिया है। तब तक हमारा मसाला पकता है, हम इधर मेथी और मटर फ्राई कर लेते हैं, मतलब अच्छे से भून लेते हैं। ये मैंने सफल मटर का यूज किया है, आप ताजी भी ले सकते हो। मेरे पास ताजी नहीं थी तो मैंने सफल मटर का यूज करा है। थोड़ा सा नमक का यूज करेंगे जिससे जल्दी पक जाए। और इधर मसालों में भी थोड़ा सा नमक का यूज। प्याज गोल्डन हो गई है और अब इसकी प्यूरी, टमाटर, टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अब इसमें जाएंगे सारे मसाले। हमें थोड़ा सा पानी डालना है तो मैंने मिक्सी के जार में ही पानी करके और इसको अच्छे से धो लिया है, पानी भी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने तब मसाला पका था तब भी नमक डाला था, तो थोड़ा ही नमक डाला है मैंने। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, इनको हम अच्छे से चलाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम थोड़ा सूखी मेथी का भी यूज करेंगे, इससे बहुत ही अच्छी सब्जी में टेस्ट आता है। और ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ऐड करेंगे इसमें हम जो मेथी और मटर हमने थोड़ी सी घी में फ्राई करी थी, मतलब भुननी थी, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। और अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि मेरे पास साबुत लहसुन नहीं था तो पेस्ट है, मैंने पेस्ट का यूज करा है। मैं इसको डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी पका हुआ होता है। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे पकाएंगे थोड़ी देर। और अब मैं
मलाई का यूज कर रही हूँ इसमें, ये घर की ही मलाई है। सब्जी हमारी बन गई है और अब इसमें सबसे बाद में जाएगा गरम मसाला और बस इसको हम गैस से उतार लेंगे।